हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा का नाम सुनकर किसके मुंह में पानी नहीं आता। गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। नई साल की शुरुआत कुछ ना कुछ मीठे से ही करनी चाहिए, तो इसलिए आज मैं आपके सामने ये गाजर के हलवे की रेसिपी लाई हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये आधा किलो गाजर, जिसे मैंने अच्छे से धो के छील कर ग्रेट कर लिया है। ये 250 ml दूध, जितना हमने गाजर लिया है उससे आधा हमें दूध लेना है। मैंने यहाँ पे ये फुल क्रीम दूध लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने बादाम और पिस्ता लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। 1 कप चीनी, ये 100 ग्राम है, और 1 कप देसी घी। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें हम ये घी डाल देंगे और इसे मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रेट की हुई गाजर। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसे आधे किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसी क्वांटिटी में सभी चीज़ों को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। हमें घी में गाजर को 1-2 मिनट के लिए पकाना है। आप देखेंगे कि गाजर का हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा घी के साथ। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे तो गाजर थोड़ी सी पक चुकी है। हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। आप देखेंगे कि गाजर का कलर चेंज हो चुका है, ये रेड से ऑरेंज होने लगी है। अब हम इसमें ये दूध डाल देंगे। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसे एक बार उबाल लिया था। आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और हम इस दूध को गाजर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें गाजर को दूध में पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक गाजर पूरे दूध को एब्जॉर्ब ना कर ले। हमें इसे लगातार चलाते हुए रहना है। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है, इसलिए मैं इसे बीच बीच में चला रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि दूध काफी हद तक कम हो गया है। गाजर ने पूरे दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो चीनी हमने ली है, उतना हम चीनी डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसे हमें हलवा के गाढ़े होने तक पकाना है। जब तक हलवा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाते रहना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो से मीडियम पे रखा है। चीनी डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना है। अब हम इसमें ये थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और इसे भी हम पकाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें इसी स्टेज पर थोड़ा सा मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसे बिना मावा के बनाया है। हलवा गाढ़ा हो चुका है, आप देखेंगे कि इसने पूरा घी भी छोड़ दिया है। हमारा हलवा रेडी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अगर आपको हलवा गरम गरम पसंद है तो आप इसे ऐसे ही सर्व करें, वरना आप इसे फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हलवा रेडी है, मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। हलवा थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजू भी लगा दूंगी। हमारा हलवा रेडी है सर्व करने के लिए। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों के हलवे जैसा आता है। और आप सभी को इस मीठी मीठी सी डिश के साथ हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।